हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बात करूंगी, जो मैंने तोरी की बेल लगाई थी उसमें अब फ्रूटिंग आ गई है, तो अब उसको कैसे पॉलिनेट करना है जिससे कि हमारे फल पीले होके ना गिरे। कई बारी होता है कि हम बेल लगाते हैं और फल निकलते हैं उसमें, तो वो पीले होके गिर जाते हैं, तो उसका मैं अभी आपको उपाय बताऊँगी। थोड़ा सा मैंने कहा कि अपना गार्डन का टूर करा दूँ। देखिए कितने मेरे छत पर हरी भरी बगिया मेरी अभी हुई पड़ी है, अच्छे से मेरे सारे पौधे चल रहे हैं। गुलाब का पौधा है, ये देसी गुलाब है, ये देखिए ये थोड़े से मैंने लगाए हुए हैं। ये मॉस रोज कितने अच्छे से बास्केट में लगाए हुए, एक ही में तीन तीन वैरायटी मैंने लगा रखी है, तीन कलर के फूल हैं, कितने सुंदर लगते हैं देखने में। ये छोटी सी बोतल में मैंने लगाई थी, गुलाबी रंग के पाटुलों का है, ये भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, बहुत अच्छे से सब चल रहे हैं। अभी सीजन है पाटुलों का, मॉस रोज का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने तोरी की बेल लगाई हुई है उसको। ये मेरा है टिकोमा का पौधा, टिकोमा में भी खूब अच्छे से फूल आ रहे हैं। इतना ये बड़ा पौधा हो गया है कि मेरी हाइट भी इतनी ऊपर तक नहीं जाती है कि मुझे मोबाइल भी बिल्कुल ऊंचा करके दिखाना पड़ता है कि मैं कुछ दिखा दूं कि कितने सारे इसमें फ्लावर निकले हुए हैं। ये मैंने 10 इंच के गमले में लगाया हुआ है, देखिए नॉर्मल सा गमला है, मिट्टी के गमले में मैंने इसको लगाया हुआ है और अच्छे से छत पर ये चल रहा है। वैसे ज़मीन में लगाएंगे तो खूब बड़ा पेड़ बन जाता है टिकोमा का, जो कि हम रोड साइड पर देखते भी हैं। ये मैंने तोरी के पौधे लगाए थे जो कि बीज से लगाए थे, मैंने आपके संग में वीडियो भी शेयर की हुई है। दो पौधे निकले थे मेरे, इनमें से मैं अच्छे से पिंचिंग विंचिंग करती गई थी, तो जिसको कि हम 2G 3G कटिंग भी बोलते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ पिंचिंग ही बोलती हूँ, मेरे समझ में वही आता है। तो पिंचिंग मैं करती गई थी तो एक ही दो बेल से कितने सारे मेरे आगे वो पौधे और फल मेरे को मिल रहे हैं इसमें से। तो देखिए इसमें से वो मेल फ्लावर भी है इसमें और फीमेल फ्लावर भी है, क्योंकि हम कई बार पिंचिंग नहीं करते हैं। अगर एक ही बेल हमारे पास में होती है तो उसमें सिर्फ एक ही तरीके का फल निकलता है, या तो मेल निकलता है या फीमेल, लेकिन मैंने देखिए पिंचिंग की थी तो मेल फ्लावर और फीमेल दोनों ही निकले हैं इसमें से। तो अब इसमें फल बन गए हैं तो ये पॉलिनेट तो खुद ही हो जाएंगे तितलियों से मधुमक्खियों से, लेकिन अगर रिस्क नहीं लेना है तो ऐसे मेल फ्लावर को लेके फीमेल के फ्लावर में टच कर दीजिए, आराम से ये फल बन जाएंगे, पीले होके नहीं गिरेंगे। ऐसा ही करना होता है, ऐसा करेंगे हम तो एक भी फल हमारा ख़राब नहीं होगा, अच्छे से ये तोरियाँ हमें मिलेंगी खाने के लिए। अब ये दो तीन दिन बाद, चार दिन बाद ये तोड़ने के लायक हो जाएंगी, तो फिर बस घर की ऑर्गेनिक सब्जी हमको मिलेगी बिना किसी केमिकल के। अपने छत पे भी ऐसे ही पौधे लगाइए, फल लगाइए, सब्जियां लगाइए और हरा भरा अपने गार्डन को रखिए, ऑर्गेनिक खेती कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ देने के लिए थैंक यू।